चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल। ये इलेक्शन बड़ा ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी इलेक्शन है। इलेक्शन पलट गया है। जो शुरू हुआ था 400 पार के दावे से कि बीजेपी कल्ले 400 पार कर लेगी, मैं एक बात दावे से कहता हूँ, बीजेपी को 272 सीट नहीं आ रही कि इंडिया कोलिशन एनडीए से आगे निकल जाए। ये इलेक्शन जो बंद और ठंडा इलेक्शन था वो एकदम खुल गया है। खींचोतान तो हमने पहले भी देखी है, वो लगातार हो रही थी। कैसे देखते हो डॉक्टर धर्मेंद्र गांधी को, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी, फिर आजाद, फिर इस बारी कांग्रेस। इस देश में जो डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई है और हिंदुस्तान की आत्मा बचाने की लड़ाई है, भाईचारा बचाने की लड़ाई, डॉक्टर धर्मवीर गांधी की राजनीति अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ी। आप भी मान रहे हो कि ये बिल्कुल अलग चुनाव होगा, अगर ये एनडीए जीतती है तो उसका रूप जो है वो अलग होगा। हमारे साथ जोगिंदर यादव जी हैं, जो भारत जोड़ो अभियान के तहत आज पटियाला भी पहुँचे हैं और डॉक्टर धर्मवीर गांधी के चुनाव प्रचार में सहयोग भी करेंगे, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले जोगिंदर जी, पहले तो आपका स्वागत है चैनल वाई पर। शुक्रिया सर। सर, पूरे इंडिया की बात करें तो, क्योंकि आप अभी पहले भी बता रहे थे कि लगभग 8 से ज़्यादा स्टेटों में जा चुके हैं, तो कैसे हालात हैं इंडिया वर्सेस इंडिया अपना एनडीए के? ये इलेक्शन बड़ा ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी इलेक्शन है। इलेक्शन पलट गया है। जो शुरू हुआ था 400 पार के दावे से कि बीजेपी कल्ले 400 पार कर लेगी, अब कह रहे हैं कि जिस सारे एलाइज को मिला विला के किसी तरह 272 पहुंच जाएंगी और मुमकिन है कि वो भी ना हो। मैं एक बात दावे से कहता हूं, बीजेपी को 272 सीट नहीं आ रही, मेरे हिसाब से तो 250 से नीचे है। और अगर आखिरी और सातवें राउंड में पंजाब ने ठीक से धक्का दिया और यूपी बिहार में जो धक्का लगने की गुंजाइश है वो हो गया, तो हो सकता है 240 से नीचे आ जाए। और अगर वो होता है तो एक संभावना खुलती है कि इंडिया कोलिशन एनडीए से आगे निकल जाए। ये इलेक्शन जो बंद और ठंडा इलेक्शन था वो एकदम खुल गया है। आपको लग रहा है कि इंडिया इलेक्शन की बात करो, कि इंडिया अगर सत्ता में आती है तो उनके चैलेंजेस जड़े हैं वो जो दूसरे से ज़्यादा होंगे, एनडीए से ज़्यादा चैलेंजेस इंडिया में रहेंगे, क्योंकि खींचोतान तो हमने पहले भी देखी है, वो लगातार हो रही थी। सर, अभी तो दूर की बात है, मुझे तो सिर्फ अभी नज़दीक नेड़े की चीज़ दिख रही है कि इस देश में डेमोक्रेसी कैसे बच जाए। बाद में जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चैलेंजेस बहुत होंगे और खींचतान तो कहाँ नहीं होती। बीजेपी वाले पर्दे के पीछे करते हैं, ये पर्दे के सामने कर लेते हैं। खींचतान तो पॉलिटिक्स में हमेशा होती है, लेकिन डेमोक्रेटिक खींचतान हो वो बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि तानाशाही हो इस देश में। आज आप डॉक्टर धर्मवीर गांधी के उसमें आए हो, तो क्योंकि आपका 2013 से आप डॉक्टर धर्मवीर गांधी को जानते हो, 2 या 3 बारी शायद आपको मैं कवर भी कर चुका हूँ पटियाला में, तो कैसे देखते हो डॉक्टर धर्मवीर गांधी को, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी, फिर आज़ाद, फिर इस बारी कांग्रेस? मैं एक लफ्ज़ में कह सकता हूँ, इस देश में जो डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई है और हिंदुस्तान की आत्मा बचाने की लड़ाई है, भाईचारा बचाने की लड़ाई है, उसके अगर चंद मिसाल इस देश में हैं तो डॉक्टर धर्मवीर गांधी उनमें से एक हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन का एक छोटा सा मिरर है मेरे लिए पटियाला। डॉक्टर धर्मवीर गांधी की राजनीति अपने प्रिंसिपल्स पे खड़ी है। लोग कहते हैं पार्टी बदल ली, मैंने कहा डॉक्टर गांधी की पॉलिटिक्स नहीं बदली, डॉक्टर गांधी जहाँ थे वो खड़े रहे, जो देश की पॉलिटिक्स है वो बदलती रही है। वो जब आम आदमी पार्टी में गए, कुछ असूलों के लिए गए, असूल पे कायम रहे, समझौता नहीं किया, पार्टी पलट गई, कोई बात नहीं, आज़ाद खड़ा होना पड़ा, आज़ाद खड़े हुए। और फिर जब कांग्रेस ने आके न्योता दिया कि इन असूलों को ज्वाइन करने को बचाने के लिए आप आओ, डॉक्टर गांधी ने स्वीकार किया। गांधी जी की पॉलिटिक्स ना बदली है ना बदलेगी। 2024 के चुनाव की बात करें तो डॉक्टर धर्मवीर गांधी से भी बात होती है तो वो ये कह रहे हैं कि ये अलग चुनाव है। आप भी मान रहे हो कि ये बिल्कुल अलग चुनाव है, अगर ये एनडीए जीतती है तो उसका रूप जो है वो अलग होगा? ये चुनाव कोई खाली संसद का चुनाव नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये संविधान सभा का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव इसका नहीं है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये है कि क्या हमारा संविधान बचेगा, क्या हमारा लोकतंत्र बचेगा, क्या हमारी देश की आत्मा, भाईचारा बचेगा।
इसका चुनाव है, इसलिए इसमें बाकी सब बातों को दरकिनार करके सिर्फ इस सवाल पे वोट डालना है, देश बचाने के लिए वोट डालना है। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल है कि आम आदमी पार्टी से आप भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे, आज दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी केंद्र में करते हैं वही सब कुछ पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल और भगवंत मान वही करते हैं, चाहे वो मीडिया पर पकड़ हो या कुछ हो। वो सब तो नहीं करते जो कि मोदी जी दिल्ली में करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी डिक्टेटरशिप का शिकार दिल्ली में है और उसके खिलाफ स्ट्रगल करती है, जिस स्ट्रगल में हम उनका सपोर्ट करते हैं, उस आम आदमी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है कि पंजाब में आप क्या कर रहे हो, पंजाब में मीडिया के साथ क्या कर रहे हो, पंजाब में पॉलिटिकल ओपोनेंट के साथ क्या कर रहे हो, ये उन्हें गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। बहुत सवाल हैं जिसका जवाब देना होगा। ये नहीं हो सकता कि दिल्ली में आप डेमोक्रेसी मांगो और पंजाब में उस डेमोक्रेसी का गला बंद कर दो, ये हो नहीं सकता, चल नहीं सकता। इस देश में जब भी कोई बड़ा बदलाव आया है उसमें पंजाब का हाथ जरूर रहा है। इस बार लड़खड़ाती तानाशाही को आखिरी धक्का पंजाब से मिले, ये मेरी उम्मीद भी है और मेरी अपील भी है। धन्यवाद। बिल्कुल जी, योगिंदर यादव जी सर जिन्होंने कहा कि पंजाब दे आखिरी चुनाव जिहड़ा होने जा रहा है तो इस दे विच पंजाब दे लोकां दा साथ चाहिए, तो वह उम्मीद करते हैं कि पंजाब दे लोक हुण जिहड़ा कांग्रेस का भी साथ देंगे, खास करके डॉक्टर तरनवीर गांधी वर्गे उन्हां लोकां दा साथ देंगे जिहड़े हमेशा लोकतंत्र की गल करते आ रहे हैं। पटियाला तो कैमरामैन पाली दे नाल इंद्रजीत बख्शी, चैनल वाई दे लई। चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कैनेडियन चैनल।